कांग्रेस को लगा एक और झटका, आनंद शर्मा ने दिया इस्तीफा, अध्यक्ष सोनिया को बताई वजह। कांग्रेस पार्टी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है जिसमें पार्टी को बड़ा झटका लगा है। खबर है हिमाचल प्रदेश से, जहां विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता आनंद शर्मा ने बड़ा झटका दिया है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की संचालन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के मुताबिक दिग्गज नेता आनंद शर्मा ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा है, जिसमें आनंद शर्मा ने कहा है कि वह अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकते, इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं। इसके आगे आनंद शर्मा ने ऐसा क्यों किया ये भी कारण बताया। उन्होंने बताया कि परामर्श प्रक्रिया में उन्हें नजरअंदाज किया गया और किसी भी मीटिंग में नहीं बुलाया गया। हिमाचल विधानसभा चुनावों के लिए अहम फैसलों में उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी गई, जिस कारण वो ऐसा कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने सोनिया गांधी से ये जरूर कहा कि वह राज्य में पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार जारी रखेंगे। G23 नेताओं में रहे शर्मा के इस्तीफे के कई मायने निकाले जा रहे हैं। जाहिर है कि अभी हाल ही में गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाए जाने के महज कुछ ही घंटों बाद इस्तीफा दे दिया था, जिससे राजनीतिक गलियारों में हंगामा मच गया था। गुलाम नबी आजाद के बारे में बताया गया कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है। हालांकि अंदरखाने बात निकल कर आई कि गुलाम नबी आजाद पार्टी के फैसलों से नाखुश हैं। उन्हें कई जमीनी नेताओं को नजरअंदाज करना पसंद नहीं आया और इसी से वो नाराज थे। उल्लेखनीय है कि गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा G23 समूह के प्रमुख नेता हैं, जो पार्टी नेतृत्व के फैसलों के आलोचक रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मनीष तिवारी सहित प्रमुख दिग्गजों का समूह ब्लॉक से लेकर CWC स्तर तक वास्तविक चुनावों पर जोर देता रहा है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और आनंद शर्मा को हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े नेता के तौर पर माना जाता है। कांग्रेस अध्यक्ष को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची है, क्योंकि उन्हें पार्टी की किसी भी बैठक के लिए परामर्श या आमंत्रित नहीं किया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों में हिमाचल प्रदेश में भाजपा से सत्ता हथियाने की रणनीति में लगी हुई है। आनंद शर्मा ने पहली बार 1982 में विधानसभा चुनाव लड़ा था और 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा उन्हें राज्यसभा का टिकट दिया गया था। वे पार्टी में कई प्रमुख पदों पर रहे, लेकिन अब सवाल है कि उन्होंने सोनिया गांधी को तो पत्र लिख दिया, इस पर कांग्रेस की ओर से क्या बयान सामने आता है। तो वहीं हिमाचल में कांग्रेस किस तरह BJP को टक्कर देगी, ये भी देखने वाली बात होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए 1 इंडिया हिंदी के साथ।